बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान की आज शादी है। वो फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिकरे से शादी कर रही हैं। इरा आमिर की पहली बीवी रीना दत्ता से हुई थी। बेटी की शादी में सारा परिवार एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन इस पैकेज में हम आमिर खान की मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे। आमिर खान ने दो शादियां की थी, पहली रीना दत्ता और दूसरी किरण राव से। हालांकि वो दोनों को ही तलाक दे चुके थे। रीना आमिर का पहला प्यार था, इसलिए उन्हें छोड़ना आमिर के लिए आसान नहीं था। इस बारे में आमिर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। आमिर खान और रीना दत्ता की शादी लंबे टाइम चली, लेकिन जब आमिर ने रीना को तलाक दिया तो वो कहीं गायब ही हो गई थी। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि वो क्या करती हैं और कहां रहती हैं। इस शादी से रीना आमिर के दो बच्चे हुए, उन्हें आयरा नाम की बेटी और जुनैद नाम का एक बेटा है। दोनों की लव स्टोरी काफी फिल्मी रही है। वो एक दूसरे के पड़ोसी थे और एक वो वक्त भी था जब दोनों एक दूसरे को घंटों बस देखते ही रहते थे। एक दिन आमिर खान से रहा नहीं गया और उन्होंने रीना से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन रीना ने उनके प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। हालांकि इसके बाद आमिर ने कुछ दफा फिर ट्राई मारा, लेकिन हर बार उधर से जवाब ना में ही आया। आमिर लगभग इसे ना समझ ही चुके थे। फिर रीना ने अपने दिल की बात कह दी कि वो आमिर से प्यार करती हैं। दोनों ने शादी की, बच्चे हुए, सब सही चल रहा था कि अचानक दोनों की तलाक की खबर आई कि दोनों 16 साल बाद आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। दोनों अच्छे दोस्त हैं, आमिर और रीना के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। इसके बाद आमिर ने दूसरी शादी कर ली। यही नहीं, आमिर खान की दूसरी पत्नी किरण राव के साथ भी रीना की बॉन्डिंग अच्छी है। रीना दत्ता की बात करें तो बता दें कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर रही हैं। हालांकि ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि रीना लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। उन्हें पेंटिंग्स का शौक है और वो पेंटिंग्स करती हैं। वो कई आर्ट गैलरीज भी लगाती रहती हैं। इसके अलावा आमिर खान से अलग होने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो सब करेंगी जो अपने जीवन में करना चाहती हैं। भले ही वो लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन वो बिंदास लाइफ जी रही हैं। उन्होंने स्विमिंग और स्क्वैश सीखा। जैसे कि हमने पहले बताया कि पत्नी रीना से अलग होना आमिर खान के लिए आसान नहीं था। आमिर खान ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण पार्ट 6 में बताया था कि रीना दत्ता से डिवोर्स लेने के बाद उन्हें बहुत समय तक ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था। आमिर ने कहा, रीना और मेरी शादी को 16 साल हो गए थे जब हम अलग हुए, तो ये हमारे और हमारी फैमिली के लिए बहुत दर्दनाक था। रीना और मैंने एक दूसरे के लिए कभी प्यार या सम्मान को कम नहीं होने दिया। अपनी पत्नी की तारीफ में एक्टर ने आगे कहा था, मैं रीना को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में रहने का मौका दिया। जब हमारी शादी हुई थी तब हम बहुत यंग थे। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने रीना का सम्मान नहीं किया या फिर रीना के प्रति मेरा प्यार कम रहा। वो वास्तव में अद्भुत इंसान हैं। बता दें कि फिलहाल आमिर खान फिल्मों से दूर हैं। पिछली बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे, जो फ्लॉप रही। अब उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिंग से दूर होने का फैसला किया है। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।